हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज के नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे दोस्तों वो अपने फ़ोन में दोस्तों किसी भी ऐप का दोस्तों क्लियर कैच है उसका क्लियर डाटा कर सकते हो। दोस्तों आप किसी एप्लीकेशन में क्लियर कैच है क्लियर डाटा करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करो। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप सेटिंग ओपन होती है। ऐप सेटिंग पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप सेटिंग यहाँ पर ओपन है। और दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर शो है दोस्तों आप उस पर क्लिक करके उसका क्लियर डाटा कर सकते हो। एग्जांपल दोस्तों अगर आप लॉक सेटिंग सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, अलार्म सेटिंग वगैरह आप सेट नहीं कर पा रहे, टाइमर सेट नहीं कर पा रहे, स्टॉप वॉच सेटिंग यूज़ नहीं कर पा रहे, क्लॉक सेटिंग, दोस्तों यहाँ पर आप इसका क्लियर कैच ऐसे और यहाँ से आप इसका क्लियर डाटा कर सकते हो ईजिली। इस तरीके से इसको क्लियर डाटा करने के बाद दोस्तों आप वापस से यूज़ कर सकते हो अपनी क्लॉक सेटिंग को बिना किसी प्रॉब्लम के। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी ऐप का मतलब दोस्तों किसी इंस्टाग्राम ऐप का स्नैपचैट व्हाट्सएप ऐप का दोस्तों अगर आप क्लियर डाटा कर दोगे दोस्तों आपकी आईडी वगैरह यहाँ पे से हट जाती है और फिर दोस्तों आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे आईडी वगैरह आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी ऐप का क्लियर कैच या क्लियर डाटा कर सकते हो अपनी सेटिंग में जाके। और दोस्तों आप शॉर्टकट सेटिंग से कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। मान लो दोस्तों आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सेव नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम की वजह से, या आप अपने डायलर दोस्तों यहाँ पर आप इनको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, दोस्तों यहाँ पर आप इसको ऐसे प्रेस करो, ऐप इन्फो पे क्लिक करो, यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करो, क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज करने का दोस्तों आपके यहाँ पे फ़ोन कॉल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व है। दोस्तों यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बिना किसी प्रॉब्लम के आप सेव कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फोन दोस्तों यहाँ पे स्नैपचैट है, यहाँ पे मैं ऐप इन्फो पे क्लिक करूँगा। और दोस्तों जो आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है आप उसको हटाना चाहते हो अपने फ़ोन से, अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तब यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। आपको जो ऐप डाउनलोड है यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर कैच और फिर क्लियर स्टोरेज। दोस्तों इसको करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों स्नैपचैट को मुझे लॉगिन करना पड़ेगा फिर। दोस्तों इस तरीके से आपने डिवाइस तो किसी भी ऐप का क्लियर कैच और क्लियर डाटा ऐसे कर सकते हो अगर आप उस ऐप को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक और ऐप का करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कैलेंडर ऐप का यहाँ पे मैं क्लियर कैच या क्लियर डाटा यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों जब भी अपने फोन से उस ऐप पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको पहले देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा ऐसे गॉट इट पे। अब दोस्तों यहाँ पर आप कैलेंडर ऐप को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ऐप का क्लियर कैच और क्लियर डाटा दोस्तों शॉर्टकट सेटिंग से भी कर सकते हो ऐसे प्रेस करके, और या फिर आप अपने फ़ोन की ऐप मैनेजमेंट सेटिंग में जाके कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं स्टूडियो में, कोई डाउट हो दोस्तों कोई प्रॉब्लम दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।